हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ, आप पीछे देख सकते हो आमेर फोर्ट। यहाँ का मैं पहले वीडियो लेकर आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं लेकर के आपको जहाँ जाने वाला हूँ, वो जो जगह आप देख रहे हो वो है मेरे पीछे ऊपर की साइड में, वहाँ ऊपर हम जाएंगे आज, जो आप देख रहे हो। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैं वहाँ पर आपको चलकर एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि मैं एक चैलेंज पूरा करने वाला हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चैलेंज है। गाइस, मास्क लगा के आप इतनी हाइट में नहीं चढ़ सकते हो क्योंकि हालत आपकी खराब हो जाएगी ज्यादा। और एकदम स्ट्रेट सीधी चढ़ी कढ़ाई के ऊपर आपको चढ़ना होगा। मजा आ रहा है, पीछे घूम के देखता हूँ तो फिर हिम्मत आती है कि और ऊपर जाना है। तो फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ। पीछे की साइड में जो ग्रीनरी है, इन्हीं ग्रीनरी के बीच में मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैगी चैलेंज, जो कि मैं मेरे साथ लेकर के आया हूँ। ये देखिए मेरे बैग में, मैं इस खूबसूरत सी जगह बादलों के बीच में बनाने वाला हूँ मैगी। तो आइए इस टास्क को जल्दी से शुरू करते हैं, सूखी लकड़ियाँ ढूंढते हैं। अभी तक तो खैर कुछ भी नहीं मिला है, मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कहीं सूखी लकड़ी मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये सेटअप है, जिसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये कुछ पत्थर हैं, इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इधर। ये जो बन गया है इसके अंदर मैं रखता हूँ ये बर्तन अपना। तो गाइस आग लग चुकी है इसके ऊपर, अब हम थोड़ा बैग को दूर रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं। और इसमें गीली लकड़ियाँ भी मैं अगर डालता हूँ तो वो भी आसानी से जलेंगी। तो देखिए गाइस ये हो चुका है तैयार, लेकिन बारिश आ रही है। बार बार क्या है, एक बार पीछे का घुमा के दिखाना है कैमरे से। बहुत ही ज़्यादा गीला हो रहा है यार, इसमें थोड़ा सा इस बर्तन को साफ कर लेता हूँ। पानी पी के चलेंगे बंदो। मैंने इसमें मैगी डाल दी है, थोड़ी सी बचा ली है क्योंकि हवा बहुत तेज है, बनेगी नहीं बनेगी अभी तो ये आइडिया भी नहीं है। पानी तो उबलना चालू हो चुका है गाइस, गर्म तो हो गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्या ये 10 रुपये वाली मैगी को मैंने 5 रुपये की बना दिया है, लेकिन आज यार मैंने सोचा था मैं बनाऊंगा, तो मतलब मैं बनाऊंगा यार, क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए हर काम को करने का। आप बारिश सोच करके आप नहीं करते वो काम। आप देखो एक बार चारों तरफ का सीन दिखाना एक बार, जो क्या खूबसूरत नज़ारे। और उसके बीच में बैठ के यार मैं पहाड़ी के ऊपर इतनी हाइट पे बादलों के बीच में मैगी बना रहा हूँ, पागलपन लगेगा, लेकिन इसी में लाइफ को जीने का मजा आएगा। इस सच्चाई बता रहा हूँ। अब देखिए गाइस, देखिए अच्छे से तैयार हो गई है। होए होए होए, मजा ही आ गया यार, बहुत मजा आ गया, जिंदगी जी ली आज। ये जगह भी सोच रही होगी और आज मैगी का स्वाद जो चखेगी उसको भी मजा आ जाएगा। आंखों में से पानी आ रहा है, बादलों में से भी पानी आ रहा है, क्योंकि क्योंकि यार मौसम ही ऐसा है। मैगी बन चुकी है काफी हद तक। सीरियसली मजा आ रहा है, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और चारों तरफ बादल है। Amazing, na?
बनके तैयार है, मैगी बनके तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे और खाएंगे और खाकर आपको बताएंगे कि कैसी बनी है। मैं आप सबसे ये चाहता हूँ आप लोग भी कुछ ऐसा एडवेंचर करो और वीडियोस मेरे साथ शेयर करो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करके। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जा करके देख लेना। बाकी मैं मैगी अब खाता हूँ और बताता हूँ कैसी बनी है। लग तो टेस्टी रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। ये बर्तन काफ़ी गर्म है तो मैं इसके लिए लेकर आया था ये अपने घर से। मम्मी से डांट खाने वाला हूँ घर जा करके, बट क्या करें, एडवेंचर के लिए यार डांट भी ज़रूरी होती है। ये देखो मस्त मैगी बनके तैयार है। मेरे घर से मैं लेकर आया था ये पत्तल डिस्पोजेबल, इसमें इसको सर्व करते हैं। आइए, आग ना लग जाए ये भी क्योंकि पेपर से है। ये देखिए गर्मा गर्म मैगी तैयार है इस खूबसूरत से मौसम के अंदर जो कि मैं खाने वाला हूँ। क्या बताऊँ यार, ये एक्साइटमेंट की बात ही अलग है। खूबसूरत से नज़ारों के बीच में इधर से देखिए एक बार इस नज़ारों को, मैं ये मैगी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है। थोड़े से काफ़ी गर्म है, एकदम से खा नहीं पाऊँगा। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ये एक्सपीरियंस मैं हमेशा याद रखूँगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा इस तरह से, तो गाइस अब रहा नहीं जा रहा है, अब खा ही लेता हूँ। मज़ा आ गया है, एक नंबर यार, बहुत ही टेस्टी बनी है। इतनी टेस्टी मैगी मैंने कभी नहीं खाई। इन वादियों से मैं आपके सामने हूँ और ये मैगी चैलेंज आप सबके लिए है। सब मैगी खाओ, बनाओ और मेरे को टैग करो ताकि एक मज़ा है यार। कोरोना में सब मैक्सिमम लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, ऐसे डिप्रेस बातें हो रही है यार, मेरे से लाइफ नहीं हो रहा है, साले घर से नहीं निकल सकते। अरे निकल के नेचुरल जगह पे जाओ और मजे करो। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये मैगी देख लीजिएगा चैलेंज के लिए। बाय बाय। गाइस तो मैं ब्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे महालेश्वर में, और आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हो यहाँ पर ये रहा मंदिर। तो जिस तरीके से कोरोना ने कहर मचाया अपना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आजकल क्या सुविधाएं बदल दी गई हैं। कभी यहाँ मंदिर के अंदर, ये जो मंदिर दिख रहा है इसके अंदर जा सकते थे, बट अभी मंदिर को बंद कर दिया गया है कोरोना के चक्कर में। और अगर आपको शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, तो आपको कैसे करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, इस तरीके से बनाया गया है। आपको यहाँ से पानी लेना होगा, यहाँ पर डालना होगा, और ये देखिए पाइपलाइन की तरह ये पूरा अंदर तक जा रहा है। यहाँ से सीधे अंदर जाएगी ये, और अंदर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वहाँ पर पानी पहुँच जाएगा इस पाइपलाइन के थ्रू। तो ये आज के ज़माने में बदल गया है सब कुछ, देख सकते हो। देखो चारों तरफ बारिश आ रही है अभी फिलहाल। Oh, yeah.
है।